सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। सो आज हम बात करेंगे कि कौन सा फाइबर कनेक्शन आपके लिए सबसे तगड़ा रहेगा। अब ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं उनके एरिया में, जैसे कि यहाँ पे आपका जियो फाइबर हो गया, एयरटेल फाइबर हो गया, बीएसएनएल फाइबर हो गया, कोई लोकल फाइबर हो गया या कोई लोकल कंपनी हो गई वहाँ की, उनकी हम बात करेंगे कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। और यहाँ पे ये वीडियो उन लोगों के लिए भी काफी यूजफुल होने वाला है जिनके यहाँ बस अभी एक ही फाइबर है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आपके एरिया में एक फाइबर आता है तो वहाँ पे और फाइबर भी काफी जल्दी आते हैं। पर्सनली अपना एग्जांपल देता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे बीएसएनएल फाइबर आया, उसे कुछ महीने बाद ही आपका जो लोकल फाइबर आ गया, फिर एयरटेल फाइबर आ गया, और यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जियो फाइबर आ चुका है। तो यहाँ पे बहुत जल्दी जियो फाइबर आने वाला है, तो यहाँ पे कुछ महीनों में ही सारे फाइबर यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे ऐसी होता है, जैसे किसी एरिया में एक फाइबर आएगा वहाँ पर उसका कॉम्पिटिशन भी बहुत जल्दी आ जाएंगे। और यहाँ पे उस कन्फ्यूजन में आपको कौन सा फाइबर पिक करना है, इस वीडियो में हम इसी कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे इस साल के एंड तक हमने एक टारगेट लिया है कि चैनल पे 50K सब्सक्राइबर हमें पूरे करने हैं, और ये आपकी हेल्प के बिना इम्पॉसिबल है। सो प्लीज़ अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इससे चैनल को बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। अब यहाँ पे बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं जो भी बात करूंगा वो बात करूंगा अपने एक्सपीरियंस से, सौरभ के एक्सपीरियंस से, अपने पड़ोसी एक्सपीरियंस से, अपने दोस्त के एक्सपीरियंस से, अपने दूर के दोस्त के एक्सपीरियंस से। मैंने सबसे बात करी, मैंने सबसे उनका एक्सपीरियंस पूछा, उनके पास डिफरेंट फाइबर है, मैंने भी एक दो फाइबर यूज़ किए हैं, तो मैं आपको एक ढंग से एकदम अच्छी तरह बता पाऊंगा कि कौन सा फाइबर कनेक्शन आपको सबसे बढ़िया स्पीड यहाँ पे देगा, सबसे अच्छी सर्विस देगा, यहाँ पे कौन कौन से अदर बेनिफिट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हम मेजरली यहाँ पे 4 फाइबर्स की बात करेंगे। सबसे पहला है जियो, फिर है एयरटेल, फिर है आपका बीएसएनएल, फिर है यहाँ पे आपका लोकल फाइबर। अब यहाँ पे बहुत लोग बीएसएनएल और लोकल फाइबर को एकदम इग्नोर कर देते हैं और बोलते हैं कि बेकार ही होंगे, हम लगाएंगे नहीं उन्हें। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि क्या पता बीएसएनएल और लोकल फाइबर आपके लिए हो। अब यहाँ पे इस वीडियो को बहुत ही हम सिंपल रखेंगे। सबसे पहले हम चारों उस कंपनी के जो मुझे प्रोज एंड कॉन्स लगे उनकी बात करेंगे। हम एकदम प्लान्स में नहीं घुसेंगे, हम एकदम इंस्टॉलेशन में नहीं घुसेंगे, हमें अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे कि हमें कौन कौन से यहाँ पे प्रोज दिखे और कौन कौन से कॉन्स दिखे। और यहाँ पे फिर एंड में हम बात करेंगे कि आपको कैसी सर्विस देखने को मिलेगी इन सब में। अब यहाँ पे आपको कैसी सर्विस मिलेगी, थोड़ा टेक्निकल चीजें हैं उसको हम एक साथ ही कवर करेंगे इन सारों कंपनीज की। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस की, क्योंकि मेरे पास पर्सनली है लोकल फाइबर। अब इसका जो मुझे लगाने का मेन रीजन ये था कि जो मेरे एरिया में सेकेंड नंबर पे आया, सबसे पहले बीएसएनएल आया था, उसे मैंने अवॉइड करा क्योंकि हमने बीएसएनएल अपने स्टूडियो में लगाया था पहले। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि इस बार हम चांस देते हैं लोकल फाइबर को। अब मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा लोकल फाइबर के साथ, सबसे पहले प्रोज की बात करते हैं। मुझे यहाँ पे काफ़ी चीप प्लान देखने को मिल गया। जो मेरा 30 Mbps वाला प्लान है इस समय, वो मुझे पड़ता है 450 का GST के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सस्ता प्लान है, इतना आपको जियो या एयरटेल में देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे मेजर बेनिफिट है कि आपको यहाँ पे चीपर प्लान देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे सेकंड बेनिफिट की बात करते हैं कि यहाँ पे आपके पास पावर होती है नेगोशिएशन की, क्योंकि लोकल फाइबर वाला ज़्यादातर आपके पास का होगा, आप उसे जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो कोई कॉन्टैक्ट लगा सकते हो वहाँ पे, और आप बात भी करोगे थोड़ा तो आप बोल सकते हो कि भाई लोकल हो, समझ जाओ यार महंगा लग रहा है इंस्टॉलेशन। और यहाँ पर भी मैंने ऐसी नेगोशिएशन पावर का यूज़ किया, और यहाँ पे मुझे उन्होंने राउटर फ्री में दिया, और सौरभ ने भी यूज़ किया इस पावर का, और उसे एक महीने का यहाँ पे फ्री में ट्रायल देखने को मिल गया था। जो उसका पहला महीने का बिल था वो उसके लिए फ्री पड़ गया था। तो ऐसे हमने यहाँ पे दोनों ने इस चीज़ का यहाँ पे बेनिफिट उठाया। अब यहाँ पे इसे कॉन्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा कॉन जो आपको देखने को मिलेगा लोकल वेंडर के साथ, ये आपको बहुत ही अनप्रोफेशनल बिहेवियर दिखाएंगे। उसका मतलब क्या है, अब मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने भी सेम जगह से फाइबर लगवाया, सौरभ का घर थोड़ा दूर है, सौरभ ने भी सेम जगह से फाइबर लगवाया, दोनों हमें अलग अलग प्लान बता रहे हैं, उन्हें ढंग से प्लान ही नहीं पता था, उन्हें बेसिक नॉलेज नहीं है कि फाइबर काम कैसे कर रहा है। हम उनसे कुछ पूछते हैं तो वो ब्लैंक होते हैं, वो बोलते हैं एक बंदे का नंबर देता है उससे बात कर लो, तो मतलब उन्हें बेसिक नॉलेज नहीं पता होती, अनप्रोफेशनल बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली इन्होंने क्या करा है हमारे साथ कि हमारा जो सर्वर है वो कहीं चेंज कर दिया है। अब मैं स्पीड टेस्ट कर रहा हूँ या कहीं पेमेंट वगैरह कर रहा हूँ तो मेरी लोकेशन दिखा रहा है राजस्थान कोटा की। अब यहाँ पे ये करने से पहले इन्होंने हमें बताया नहीं, और यहाँ पे इन्होंने अपना आप चेंज कर दिया, और यहाँ पे उसके बाद से हमारी पिंग भी हमें हाई देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे ये भी एक चीज़ है कि ये बिना बताए कुछ भी कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है इन लोकल वेंडर्स के साथ। और यहाँ पे आपको सेकंड कॉन ये होगा कि आपको जो लोकल वेंडर होगा वो मोस्टली आपको कोई भी OTT सर्विस यहाँ पे नहीं प्रोवाइड करेगा, जैसे कि आपको एयरटेल और जियो यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे मेरे फाइबर वाले ने मुझे बोला था कि हमने एक बंडल पैक अनाउंस कर दिया है कि आप वो ले सकते हो, बट वो बहुत यहाँ कॉस्टली पड़ रहा था मुझे, तो मैंने वो अवॉइड ही किया। और यहाँ पे हम कभी रिकमेंड नहीं करते कि आप किसी फाइबर को इसलिए सेलेक्ट करो कि उसमें आपको अच्छी OTT सर्विस देखने को मिल रही है। सबसे पहले देखो कि वो फाइबर कैसा स्पीड कैसे प्रोवाइड कर रहा है,
तभी आप उस फाइबर को पिक करना। OTT सर्विसेज यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको देखने को मिल रहा है, वो अच्छी बात है, बट उसको लेकर आप डिसीजन मेक मत करना। और यहाँ पे अगर आपको OTT ऐप्स की टेंशन है कि OTT ऐप्स में कैसे लूंगा फिर अगर मुझे लोकल वेंडर नहीं दे रहा है, तो हमने एक वीडियो कवर की है OTT प्ले करके एक ऐप है, उसमें आपको बंडल सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। आपको इसका प्लान बताता हूँ, काफ़ी बढ़िया लगा मुझे, एक झकास करके प्लान का नाम है और उसका काम भी वैसी है झकास एकदम, 1000 रुपये का प्लान है और उसमें आपको सोनी लिव और Z5 का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है साल भर का 1000 रुपये में। अगर आप सोनी लिव की सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट देखोगे तो वही आपको 1000 रुपये का पड़ता है। और यहाँ पे इनके पास और भी बंडल सब्सक्रिप्शन है, आप वो जाकर देख सकते हो, वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यहाँ पे हमारा कूपन कोड यूज करके आपको 10% डिस्काउंट भी यहाँ पे मिल जाएगा उनके हर सब्सक्रिप्शन पे। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं हमने लोकल वेंडर्स की कॉन्स की। अब यहाँ पे जनरली आपको ये लोकल वेंडर्स महंगे देखने को मिलेंगे, इंस्टॉलेशन कॉस्ट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब जो मुझे उन्होंने कॉस्ट बताया था वो था 1500 रुपये इंस्टॉलेशन का, और यहाँ पे उन्होंने बोला था कि 1700 रुपये आपको सिंगल बैंड के देने पड़ेंगे राउटर के, और ड्यूल बैंड के मुझे 1000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 2700 रुपये देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप इसे कंपेयर करोगे एयरटेल से या जियो से तो यहाँ पे आपको ये महंगा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे यही कंक्लूजन था मेरा पूरा लोकल वेंडर का। अब बात करते हैं BSNL की। सो अब BSNL का आप सबसे पहले अगर नाम सुनते हैं ना सब तो बोलते हैं कि बेकार ही होगा, हम लगाएंगे ही नहीं। ऐसा नहीं है दोस्तों, जो BSNL है वो भी आपके लिए बढ़िया हो सकता है। हमने इसका अगर आपको इन डेप्थ रिव्यू देखना है तो हमने सेपरेटली बनाया है, वो आप जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हो पूरा। अभी हम यहाँ बात करते हैं बेसिक की। सो सबसे पहले हमने लगाया था स्टार्टिंग कुछ महीने हमने BSNL लगाया, उसके बाद हमने स्विच कर लिया वे लोकल वेंडर पे, उसका रीजन बताऊंगा मैं आपको क्यों करा हमने। तो यहाँ पे पर्सनली BSNL से हमें कभी स्पीड की इशू नहीं आया, जो लोग बोलते हैं कि BSNL फाइबर में स्पीड कम देखने को मिलती है, हमें कभी कम नहीं देखने को मिली। 60 Mbps का प्लान था, हमें 60 Mbps यहाँ पे देखने को मिली। यहाँ पे सेकंड चीज, लोग बोलते हैं कि BSNL फाइबर में बहुत सारा नेट जाता है, तो पर्सनली हमारे साथ ऐसा कोई इशू नहीं हुआ, 5-10 मिनट के लिए जाता था, वो हर फाइबर में आपका नेट जाता है, ये थोड़ा बहुत तो उतना ही हमें इसमें देखने को मिला। तो यहाँ पे थर्ड चीज़, लोग बोलते हैं जो BSNL वेंडर्स होते हैं काफी बेकार होता है, कोई कंप्लेन नहीं सुनते लगाने के बाद, कुछ नहीं करते, तार टूटी रह जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको दो एक्सपीरियंस बताऊंगा, जो यहाँ पे मेरा घर है इस एरिया में जो BSNL का वेंडर है उसका एक्सपीरियंस ऐसा है कि जहाँ पे मेरे पड़ोसी की तार टूटी थी BSNL फाइबर की, वो एक हफ्ते तक टूटी पड़ी रही। मैंने बोला भाई फ़ोन करके बुला लो अपने वेंडर को, वो लगा लेगा तार। वो बोल रहे थे कि हमने बहुत फ़ोन किए बट वो बंदा बिल्कुल नहीं सुन रहा है। वो एक हफ्ते बाद आया, उसने तब जाकर वो तार लगाई। तो मेरे एरिया में वेंडर बेकार था, बट जहाँ हमारा पहले स्टूडियो था 100 रुपये घर पे, तब वहाँ पे हमें काफ़ी बढ़िया वेंडर मिला था। हम उसे फ़ोन करते थे या जब भी मैसेज करते थे कि नेट क्यों चल रहा है, वो एकदम जवाब देता था, रिस्पॉन्स करता था कि नेट इसलिए नहीं चल रहा है। वहाँ पर ज़्यादातर हमें कोई इतनी दिक्कत आई भी नहीं। एक बार मैंने देखा था कि वहाँ पेड़ वगैरह कट रहे थे रस्ते में, तो वो बेचारा इतनी गर्मी में तार पड़े खड़ा हुआ था, मतलब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने ली थी कि भाई तार टूट जाएगी तो नेट चला जाएगा, तो उसने पहले तार लूज़ करी, तार साइड में रखी रोड के, और फिर वहाँ पेड़ कट रहे थे, फिर उसके बाद उसने टाइट भी कर दी, और हमें स्टूडियो में बिल्कुल भी पता नहीं लगा कि सब बाहर चल रहा है। तो यहाँ पे उस वेंडर की मुझे ये बात काफ़ी बढ़िया लगी। तो यहाँ पे मेरा बोलने का मतलब ये है कि वेंडर टू वेंडर यहाँ पे डिपेंड करती हैं चीज़ें, आप ये जनरल नहीं कर सकते कि BSNL का फाइबर है तो बेकार ही होगा। और यहाँ पे BSNL की आपको एक और अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी, BSNL में आपको बहुत वैरायटी ऑफ प्लान्स देखने को मिलेंगे। BSNL में आपको 20 Mbps तक का प्लान यहाँ पे देखने को मिलता है, तो यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा स्पीड की जरूरत नहीं है तो आप 20 Mbps का प्लान भी यहाँ पे पिक कर सकते हो, तो ये काफ़ी बात बढ़िया है BSNL में। अब बात करते हैं इसकी कमियों की, क्योंकि हर चीज़ BSNL में अच्छी तो हो नहीं सकती, तो आपको कुछ कमियाँ देखने को मिलेंगी। सबसे पहला रीज़न कि हमने क्यों हटवाया BSNL, तो हमें वहाँ पे पिंग ज़्यादा देखने को मिलती थी। अब हम जब ऑनलाइन गेमिंग करते थे तो अब इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता था, क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन गेमिंग में पिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जैसे ही हमारे पास ऑप्शन आया तो हमने सोचा हम स्विच कर देते हैं। अब यहाँ पे सेकंड चीज़ की बात करते हैं जो BSNL में बहुत बेकार है, जब आप उसे वापस करोगे, मतलब आप BSNL कनेक्शन हटवाओगे, तब यहाँ पे जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आप स्टार्टिंग में देते हो वो मिलना आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सौरभ ने इतने महीने पहले हटवा दिया था, आई गेस 3-4 महीने हो गए सौरभ को हटवाए हुए, अभी तक उसे सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं मिला है। उन्होंने कहा था आपको चेक आएगा एक, और वहाँ पे तब आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे BSNL कनेक्शन हटवाते हो तो सिक्योरिटी डिपॉजिट मिलना आपको थोड़ा दिक्कत ही रहेगी यहाँ पे। और यहाँ पे सेकंड चीज़ जो मुझे BSNL की बहुत ज़्यादा बेकार लगी, उनकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा, मतलब सर्वर बहुत बेकार रहते हैं इनके। आपको यहाँ पे बिल पे करना हो तो बिल पे करते टाइम वो वेबसाइट नहीं खुलती, तो आप बिल पे कैसे करोगे, आप रिफ्रेश करते रहोगे। और यहाँ पे एक और दिक्कत है इनकी वेबसाइट में, जैसे हमारा 60 Mbps वाला प्लान था, हमें लगा हमें इतनी स्पीड की जरूरत नहीं है, हम 20 Mbps वाला करा देते हैं, तो वेबसाइट से वो कर ही नहीं सकते आप। आपको वहाँ पे ऑफिस जाना पड़ेगा, बोल रहे हैं ऑफिस से हो जाएगा बट वेबसाइट से नहीं होगा। अभी ऐसा क्यों है, अब ये BSNL वाले ही जाने हैं। थर्ड रीज़न की बात करते हैं, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कुछ लोगों के यहाँ पे BSNL से, कि इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट कुछ एरियाज में बहुत बहुत ज़्यादा है। हमने पर्सनली 5500 रुपये दिए थे आपको इंस्टॉलेशन के, प्लस वायर के हमें एक्स्ट्रा लगे थे, उसने हमें 150 मीटर वायर फ्री दी थी,
उसके साथ हमें 150 मीटर और लगी थी क्योंकि हमारा घर मेन रोड से 300 मीटर अंदर था। तो यहाँ पे हमें टोटल पड़े थे 7,000 रुपये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतना महंगा फाइबर भी हमने लगवाया हुआ है। तो ये बहुत बड़ा मेजर इशू है। कई लोग बोलते हैं कि हमें सस्ता लग रहा है, तो अच्छी बात अगर आपके एरिया में सस्ता लग रहा है, क्योंकि अब यहाँ भी इसने थोड़े रीजनेबल रेट्स रख दिए जैसे कॉम्पिटिशन आया इसके मार्केट में। बट यहाँ पे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा रेट बता रहा था ये। सो यहाँ पे यही बात है, जो BSNL फाइबर होता है सबसे पहले पहुँचता है किसी भी एरिया में। सो यहाँ पे उस चीज़ का वो फायदा उठाते हैं और स्टार्टिंग में वो बहुत रेट हाई रखते हैं कि जितना प्रॉफिट निकालना है निकाल लें, बाद में तो उन्हें पता है कि बैंकर वो जियो और एयरटेल पे जाएंगे लोग। और यहाँ पे बस यही रीज़न नहीं होता, एक और रीज़न है कि लोकल वेंडर और आपको BSNL जो वेंडर्स होते हैं ये आपको महंगा फाइबर देते हैं, क्योंकि जो एयरटेल और जियो होते हैं ना ये बल्क में सामान मंगाते हैं। सपोज़ जो राउटर ऑर्डर कर रहे हैं ये हज़ारों में कर रहे हैं, बट ये जो लोकल वेंडर्स और ये होते हैं BSNL फाइबर वाले, ये बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में ऑर्डर देते हैं। तो इन्हें जो पर यूनिट कॉस्ट होती है महंगी पड़ती है। आपको पता है अगर आप कोई चीज़ होलसेल में लेते हो तो आपको सस्ती पड़ती है, तो इसलिए आपको इतना डिस्काउंट नहीं दे पाते आगे। तो इनकी भी कुछ मजबूरी होती है, कुछ ये फ़ायदा भी लपेटते हैं। तो ये दोनों फैक्टर होते हैं कि आपको लोकल वेंडर और BSNL फाइबर आपको महंगा पड़ता है इंस्टॉलेशन के टाइम। और यहाँ पे जब हमने अपनी पिछली वीडियो बनाई थी, इसमें हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, बताया था कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगी है BSNL की, तब यहाँ पे कुछ लोगों ने बताया कि वो 10,000 से 15,000 रुपये भी दे रहे हैं इंस्टॉलेशन के लिए। सो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है, आपके वेंडर ने भी आपसे इतना पैसा मांगा है, तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो, ताकि और लोगों को भी पता लगे कि कितना यहाँ पे धांधलीबाजी चल रही है BSNL फाइबर में। अब यहाँ पे BSNL फाइबर के बाद आते हैं अपने एयरटेल फाइबर पे। अब एयरटेल फाइबर की अच्छी बात एक ये है, आप जितने भी ऑनलाइन रिव्यू देखोगे, मैं जितने भी लोगों से पूछा, सब ने एक ही बात बोली कि एयरटेल की जो सर्विस है काफ़ी तगड़ी है। और जो एयरटेल स्पीड बताता है ना, 40 Mbps का प्लान है जो उनका, वो मोस्टली 50 Mbps ही आपको स्पीड देता है। तो यहाँ पे आपको एयरटेल की स्पीड अच्छी देखने को मिलेगी, यहाँ पे एक बात तो ये है। और यहाँ पे आपको एयरटेल फाइबर का दूसरा बेनिफिट ये देखने को मिलेगा, अगर आप एयरटेल की और सर्विसेज यूज़ करते हो, जैसे कि आप एयरटेल का सिम भी यूज़ कर रहे हो, आप एयरटेल का जो डिश होता है घर में टीवी में वो भी देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको एयरटेल ब्लैक का एक आपको प्लान मिल जाएगा, जिसमें आपको कंबाइन पैकेज होता है, आपको एक ही बिल पे करना है, और यहाँ पे आपको सारी सर्विसेज की आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी वहाँ पे। और यहाँ पे एयरटेल फाइबर का आपको तीसरा बेनिफिट ये देखने को मिलता है, जब मैंने पर्सनली बात करी अपने एयरटेल फाइबर वाले से जो मेरे एरिया में लगवा रहा है, उसने कहा कि आपकी इंस्टॉलेशन एकदम फ्री पड़ जाएगी अगर यहाँ पे आप 3 महीने का बिल जो है वो एडवांस पे कर दोगे। अगर यहाँ पे मेरा 100 Mbps वाला कनेक्शन था तो मुझे यहाँ पे 3,000 का अराउंड पे करना था 3 महीने का बिल। अगर सपोज मैं 40 Mbps वाला कनेक्शन लेता हूँ, तो उसने बोला आपको 6 महीने का बिल एडवांस पे करना पड़ेगा, बट जो मेरा टोटल लमसम प्राइस आएगा मुझे 3,000 के आसपास यहाँ पे करना पड़ेगा उसे। तो यहाँ पे ये अच्छी बात है, अगर आप एडवांस बिल पे कर देते हो तो आपकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट आपको एकदम जीरो पड़ जाती है एयरटेल में, जहाँ पे आपको जो लोकल फाइबर वाले और जो आपको BSNL वाले इतना चार्ज कर रहे थे, वो यहाँ पे आपको कॉस्ट जीरो पड़ जाती है। बट आपको यहाँ पे वायर का एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अगर आपका घर कुछ ज़्यादा दूर है उनके बॉक्स से। जैसे उसमें मुझे पता है कि आपको 100 से 150 मीटर आपको फ्री मिल जाएगी केबल, और उसके बाद आपको 10 रुपये मीटर के हिसाब से केबल देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे एयरटेल के बेनिफिट्स की बात खत्म करते हैं, अब आते हैं ऐसे कॉन्स पे। अब सबसे बड़ा कॉन जो मुझे एयरटेल में ये देखने को मिला कि इनके डिफरेंट प्लान से अगर आप चेंज करोगे, जैसे हम देहरादून रहते हैं देहरादून करेंगे तो यहाँ पे आपको कम प्लान्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 1 Gbps का प्लान तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, अगर आप दिल्ली साइड जाओगे तो वहाँ पे आपको प्लान्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ये बात सबसे बेकार लगती है मुझे कि एयरटेल यहाँ डिस्क्रिमिनेशन करता है। अगर आप जियो से कंपेयर करोगे इसे, तो जियो ऑल ओवर इंडिया आपको सेम प्लान देता है आप कहीं भी रहते हो। तो अब यहाँ पे एयरटेल के सेकंड कॉन की बात करते हैं, इसमें आपको मिनिमम 40 Mbps का प्लान देखने को मिलेगा। तो इसका जो मिनिमम प्लान भी है वो आपको थोड़ा महंगा देखने को मिलेगा कंपेरेटिवली कॉम्पिटिशन से, क्योंकि जियो आपको 30 Mbps का प्लान देता है और एयरटेल अगर 40 Mbps का प्लान दे रहा है तो आपसे ज़्यादा भी चार्ज करेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे तीसरी चीज़ की बात करते हैं, अब यहाँ पे पर्टिकुलरली कौन नहीं है, बट यहाँ पे एयरटेल ने कन्फ्यूजन क्रिएट किया। कन्फ्यूजन क्या है, लोगों को लगता है एयरटेल का प्रीपेड कनेक्शन है बट वो यहाँ पे पोस्टपेड कनेक्शन है। एक्सप्लेन करता हूँ, उसे एयरटेल बोलता है एडवांस रेंटल। ये पूरी चीज़ हमने एक वीडियो में सेपरेटली एक्सप्लेन की, अगर आपको वो देखना है तो आप वीडियो में जा सकते हो डायरेक्ट। यहाँ पे मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ, आप भले ही बिल पहले पे कर रहे हो उसका मतलब ये नहीं कि वो प्रीपेड है। प्रीपेड का मतलब होता है अगर आप बिल पे ना करो, मतलब रिचार्ज ना करो, जब मोबाइल रिचार्ज नहीं कराते ना तो आपका चलना बंद हो जाता है, आप कॉल नहीं कर पाते, एकदम बंद हो जाता है, वो होता है प्रीपेड, जो कि आपको जियो प्रीपेड में देखने को मिलता है। एयरटेल में क्या होता है, एयरटेल में साइकिल चलती है आपकी जैसे पोस्टपेड में चलती है, बट यहाँ पे आप उसे पहले पे करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रीपेड कनेक्शन है, एयरटेल उसे एडवांस रेंटल बोलता है। अब यहाँ पे अपनी लास्ट कंपनी पे आते हैं जो कि है जियो। अब जियो में पहला बेनिफिट क्या है, जियो प्रीपेड भी है, जियो पोस्टपेड भी है। अगर आपको प्रीपेड कनेक्शन चाहिए तो आप प्रीपेड कनेक्शन ले सकते हो, पोस्टपेड चाहिए मतलब जैसे पोस्टपेड अगर बाद में बिल आता है तो आप पोस्टपेड भी ले सकते हो, बट पोस्टपेड के बेनिफिट्स हैं, पोस्टपेड में आपको जीरो इंस्टॉलेशन कॉस्ट पड़ती है और पोस्टपेड में आपको बोनजाना प्लान्स भी देखने को मिलते हैं। अगर आप 100 रुपये एक्स्ट्रा दोगे तो आपको 6 OTT apps मिलेंगी,
₹200 एक्स्ट्रा दोगे तो आपको 12 OTT ऐप यहाँ पे देखने को मिलती हैं। बट अगेन जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप किसी भी फाइबर को उसके OTT सर्विस देखकर मत लेना, आप उसे देख के लेना कि आपके एरिया में वो कैसा चल रहा है। और यहाँ पे जियो में एक और अच्छी चीज़ है, आपको एक महीने का फ्री ट्रायल मिलता है, अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप उसे हटा सकते हो, वो कोई भी आपसे एक सवाल नहीं करेंगे। और यहाँ पे अगर कौन सी बात करते हो तो अगर आपको सही बताऊँ तो जियो में आपको एज सच कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती, आपको प्लान 30 MB का देखने को मिल जाता है, एयरटेल से सस्ता है, तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि जियो महंगा है। आपको प्रीपेड पोस्टपेड दोनों को देखने को मिलते हैं, ऑप्शन दे रहा है, आपको फ्री ट्रायल देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे एज सच आपको जियो फाइबर में कोई भी ऐसा डाउनसाइड देखने को नहीं मिलता। और शायद तभी यहाँ पे ट्राई की रिपोर्ट में देखने को मिल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे जियो फाइबर को पिक कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने इन चारों कंपनीज की बात तो कर ली, अब यहाँ पे बात करते हैं कि सर्विस, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सर्विस की हम अलग बात करेंगे। अब यहाँ पे जो सर्विस की बात है ना, आप कितनी भी यूट्यूब में वीडियोज़ देख लो कि एयरटेल फाइबर कैसा है, जियो फाइबर कैसा है, लोकल फाइबर कैसा है, BSL फाइबर कैसा है, आपको यहाँ पे बिल्कुल भी फायदा नहीं होने वाला। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, जो सर्विस होती है ना किसी भी कंपनी की, वो डिपेंड करता है आपके एरिया में वो बंदा कैसा है। आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ ये चीज़। जब भी आप कोई AC लेते हैं अमेजोन से, उसका आप अगर रिव्यू देखोगे तो 1 स्टार में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे ज़्यादातर आपको 2 ही तरह से रिव्यू देखने को मिलेंगे। क्यों? बेकार रिव्यू दिए लोगों ने, क्या तो प्रोडक्ट टूटा हुआ आया है तो उन्होंने रिप्लेस कर दिया होगा, वो अलग बात है। सेकेंड चीज़, जब इंस्टॉलेशन वाला बंदा आता है, जैसे मान लो आपने सैमसंग का AC लिया अमेजोन से, तो जो इंस्टॉलेशन के लिए पर्सन भेजा कंपनी ने, उस बंदे ने लोगों के घर की दीवार तोड़ दी, उसे ढंग से इक्विपमेंट नहीं थी, उसके पास हथौड़ा इतना बड़ा लेकर आया था, दीवार को तोड़ नुकसान करके चला गया, तारें ऐसी रह गई, तो यहाँ पे ये सारी दिक्कत आती हैं। तो अब क्या बोल सकते हो कि सैमसंग का AC बेकार है? नहीं, जो उस एरिया में पर्सन है सर्विस के लिए आ रहा है वो बेकार है। तो यहाँ पे यही बातें चलती हैं। यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड है, उसने यहाँ पे जियो फाइबर लगाया है, तो उसने मुझे बोला, भाई यार मैं एक हफ्ते से यहाँ पे जियो फाइबर वाले को फ़ोन कर रहा हूँ, मेरे साथ तो गाली गलौज भी हो गई उसकी, भाई आ जाए, वो इतना परेशान कर दिया उस बंदे ने कि वो सही करने आ ही नहीं रहा है, मेरे घर में यहाँ पे एक हफ्ते से इंटरनेट नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे ये बात थी। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे बात करूँ BSL फाइबर की, अब यहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं कि उनका BSL वाला वेंडर उनकी कंप्लेन नहीं सुनता। जैसे मैंने बताया, हम एक ही एरिया में रहते हैं, उसमें इतना फ़र्क है, मेरे एरिया में जो है BSL फाइबर वाला, वो भयंकर एक हफ्ते से तार ही नहीं जोड़ी उसने, और जो सौरभ के एरिया में था वो यहाँ पे इतना बढ़िया काम कर रहा था कि मतलब वो तार पर खड़ा हुआ है जब पेड़ कट रहे थे वहाँ पे। तो यहाँ पे पर्सन टू पर्सन चीज़ें वेरी करते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। अगर आपको एकदम रिसर्च करनी है तो आप यूट्यूब में मत करो, आपको कोई भी फायदा नहीं है। मैं बोल दूंगा भाई एयरटेल का मेरे यहाँ अच्छा है, क्योंकि एक्चुअली में अच्छा है बंदा वो। तो यहाँ पे अगर आपके एयरटेल वाला बेकार है, अगर आपके एरिया में जो एयरटेल ने बंदा अपॉइंट किया है अगर वो बेकार है, तो आपका एक्सपीरियंस आपको बेकार ही देखने को मिलेगा। सो अगर आपको अगर रिसर्च करनी है तो आपको लोकल लेवल पर उतरना पड़ेगा, आपको जिसके यहाँ पे लगा है उसके यहाँ पे पूछना पड़ेगा, आपको कॉन्टैक्ट्स देखने पड़ेंगे कि भाई उससे मैं कैसे कॉन्टैक्ट करूँ बंदे को, या आप डायरेक्ट घर भी जा सकते हो, आप पूछ सकते हो। अब यहाँ पे मैं जब पर्सनली लगवा रहा था ना कनेक्शन, तो मैंने पहले BSNL का सोचा था कि BSNL लगवा देता हूँ, तो मैं पर्सनली लोगों के घर गया, मैंने बेल बजे वहाँ पूछा, भाई तुम्हारे BSNL का फाइबर है, प्लीज़ मुझे बता दो तुम्हारा कनेक्शन कैसे चल रहा है। तो उसने मुझे आराम से बता दिया, कोई भी ऐसा मना नहीं करेगा कि नहीं मैं नहीं बता रहा। अगर यहाँ पे आप तमीज़ से बात करोगे लोगों से तो यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे जवाब देखने को मिलेंगे लोगों के, लोग अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और यहाँ पे एक्चुअल हेल्प आपकी तभी होगी उस चीज़ से, अगर यहाँ पे कोई भी यूट्यूबर अगर यहाँ पे कुछ भी बोलता है वो अपने एक्सपीरियंस से बोलता है, वो गलत नहीं बोल रहा है, वो सही बोल रहा है, बट वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा है, अपने एरिया वाइज आपके एरिया में कैसा बंदा आपको मिला है, कैसा बंदा अपॉइंट किया है जियो या एयरटेल ने, उस चीज़ से आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे अच्छा होता है या यहाँ पे बेकार होता है। सो इन दी एंड यहाँ पे यही सर्विस की बात थी जो मैंने आपको बताया था कि आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी। अगर इन जनरल आप पूछो मुझसे, जितनी मैंने लोगों से बात करी, सब ने एक बात, एक कॉमन मैंने चीज़ देखी, सब ने एयरटेल की यहाँ पे तारीफ ही करी है। मैंने यहाँ पे अपने दोस्तों से बात करी, मैंने अपने पड़ोसी से बात करी, मैंने जितनी भी जगह देखा, मैंने जितने भी ऑनलाइन रिव्यू देखे, सब ने एक बात बोली कि यहाँ पे एयरटेल काफ़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और जैसे मैंने बताया था, जितनी आपने बैंडविड्थ ली है 40 MBPS की ली है, तो उससे आपको ज़्यादा स्पीड यहाँ पे देखने को मिलेगी, और यहाँ पे बहुत कम बार होता है कि आपका इंटरनेट यहाँ पे डाउन जा रहा है एयरटेल में। सो यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो और यहाँ पे आप मेरी एडवाइस लेने आए थे, तो मैं एक सेफ एडवाइस दूंगा कि आप यहाँ पे एयरटेल को यहाँ पे पिक कर सकते हो, आपको अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे एयरटेल और थोड़ी कंपनी से यहाँ पे आपको महंगा देखने को मिल रहा है, तो अगर यहाँ पे आपको अच्छी सर्विस चाहिए तो आपको यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा भी पे करना पड़ेगा। सो गाइस, होपफुली आपकी इस वीडियो ने हेल्प की हो और आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओ नेक्स्ट टाइम। और यहाँ पे आप हमें टारगेट को अचीव करने के लिए भी हेल्प कर सकते हो, 50K का टारगेट है सेल के एंड तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। और यहाँ पे अगर आपको देखनी हो OTT प्ले, जो मैंने आपको ऐप बताई थी, इसमें आपको बंडल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहे हैं, आपके सामने वीडियो आ रही होगी, आप जाकर देख सकते हो, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो आप जरूर चेकआउट करना इस वीडियो को। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।